नहीं गाइस तो मैं जो गुरु जी आप देख रहे हो जो गेमिंग प्रो। चलिए शुरू आज के वीडियो को मैं देखता तो आज के वीडियो के अंदर मैं खेल रहा हूँ क्यूब क्राफ्ट। अभी मुझे लग रहा था कि मैं क्यूब क्राफ्ट की भी सीरीज मुझे बनानी चाहिए, और हालांकि मैंने क्यूब क्राफ्ट में बहुत तगड़ी अचीवमेंट्स की है। लाइक मेरे पास एक डेजर्ट आइलैंड है, फ्रोजन आइलैंड है, नॉर्मल आइलैंड है, मेरे पास बहुत ज़्यादा फार्म्स है, जंगल आइलैंड है, बट मुझे लगा सच्ची में करनी चाहिए। तो आज असल में हम लोग का एपिसोड 1 है इसका, और हाँ मैं अभी RTX लगा रहा हूँ, और मेरी स्किन आपको कैसी लगी ये भी बताना चाहना, क्योंकि मेरे ये ओरिजिनली मैंने क्रिएट की है। और ऊपर के साथ मैं पहले बता दूँ मैंने अभी बैकग्राउंड में गाना लगाया है, तो एक्सचेंज इसको जरा लो करता हूँ, नहीं तो मेरा आवाज़ नहीं आएगा। ओके, और हाँ बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना, बीच बीच में आ सकती है। और चलो हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं आज की वीडियो को, लेकिन मैं पहले बता दूँ अगर आप लोगों को मतलब सॉरी अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि 150 सब्सक्राइबर पे मैं मेरा सेटअप टूर करने वाला हूँ, तो 150 सब्सक्राइबर कर दो। और मैंने मेरे लाइव स्ट्रीमिंग चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उसको भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं उधर एवरी संडे स्ट्रीम करने वाला हूँ। हाँ, और अगर मुझे टाइम नहीं मिला संडे को तो मैं नहीं करूँगा, तो और हाँ उधर अगर ऊपर के साथ इधर 150 और उधर अगर 10 हो गए सब्सक्राइबर तो ही मैं सेटअप टूर करने वाला हूँ, तो उसको भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि उधर मैं रिडीम कोड्स भी देने वाला हूँ फॉर फ्री फायर, या फ्री फायर लवर आपके लिए भी है। और हाँ फर्स्ट पर्सन में आता हूँ और मिलता हूँ आपसे। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट पर्सन में आ चुका हूँ और टेक्स्चर पैक की वजह से मुझे लैग हो रहा है, तो अभी मैं आपको पहले तो इस एपिसोड के अंदर से मैं सेटअप इधर का मतलब पूरा दिखाऊंगा। और कोई एक सेकंड, मेरा आर्मर में पहने दो यार, ये नया आइलैंड आज सुबह ही हमने अनलॉक किया और उसके नादे में मेरा पूरा आर्मर टूट गया, नहीं तो फुल मैक्स इंचेंटमेंट था। ओके, तो ये अपना एक्सपी स्पॉनर है, इधर काउ का है और दो ज़ॉम्बीज का है, और ज़ॉम्बी अभी मिल रहे हैं अच्छी खासी क्वान्टिटी में इधर से। और हाँ यार इधर एक अचीवमेंट है स्पाइडर आए खाना, मुझे यह अचीवमेंट जरा घिनौनी लगती है यार, बहुत ही घिनौनी भाई। मेरे पास अभी एक और एक भी नहीं है स्पाइडर है। ओके, तो मर दे दो उनको। तो मैं पहले बता दूँ आज असल में हम लोग ज़्यादा करेंगे नहीं, तो लेट्स गो। बीच बीच में टेक्स्चर ग्लिच हो सकता है, क्योंकि इधर टेक्स्चर ग्लिच बहुत ज़्यादा है, तो पहले ही आज सुबह सुबह मैंने जो बनाया वो चीज़ है अपना। असल में आज संडे है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो गए आई थिंक, तो मुझे याद नहीं अभी मैं कब लॉन्च करूँगा इस वीडियो को। तो ये है मेरा कैक्टस का फार्म, या इधर कैक्टस आते हैं मैं उनको पकड़ लेता हूँ। ओके, और उसके बाद इधर इधर ज़मीन बनानी है अभी यार इधर सैम ने क्यों है ना इधर लगाया। और हाँ इसके अंदर हिंदुजा भी है, और हिंदुजा और अपने सैम भाई है, सैम नहीं मालूम होगा तो मिस्टर टर्मिनेटर है, उनका यूट्यूब चैनल है और ये उनका सेटअप है, उधर से हम लोग चीज़ें लेते हैं। उसके बाद ये मेरा आप लोग देख ही सकते हो ट्री फार्म है पूरा। उसके बाद इधर बीच बीच में चेस्ट है, और ये हमारा फर्नेस एरिया है जिधर हम लोग फर्नेस मोस्टली लगाए। और उसके बाद ये है कोको बीन फार्म, अभी इसकी एक मुझे चैनल पे वीडियो भी बनाई है तो हाँ मैं बनाऊँगा। ओके, ये कोको बीन फार्म है मेरा जो यूज़ होता है मोस्टली, और ये हमारा मेन एरिया, असल में ये फर्स्ट आइलैंड था और उसको मैंने मतलब अभी मैं बनाता हूँ। और ये मेरा पहला पुराना फार्म था एक्स अपने ट्री का, ये अपना तो अपने एक्सपी स्पॉनर है जिधर से मैं सिर्फ लेता आता हूँ और अभी हाथ मार के ले जाता हूँ, क्योंकि मेरी अभी स्वॉर्ड है ना ख़त्म होने आई है। ओके, और ये हमारा फार्म एरिया, मालूम नहीं अभी बीच में गाना क्यों बंद हो गया। ओके, तो इधर एक बटाटे की है और ऐसे दो लाइन पम्पकिंस की है, क्योंकि मैंने पम्पकिन इसके लिए लगाया क्योंकि पम्पकिन से पैसा मिलता है अच्छा खासा। उसके बाद अपने बीटरूट का, हाँ बीटरूट भी है इधर, और फिर से दो लाइन पम्पकिंस की। उसके बाद है अगेन बटाटे का, असल में अभी बटाटे का लगाया नहीं तो जब भी कुकी क्राफ्टर नाम की एक अचीवमेंट होती है इसके अंदर तभी देना, तभी इधर वीट था क्योंकि हमें वीट लगता था कुकी क्राफ्टर में, और इधर वीट है बोलो। और ये फिर से आप लोग देख सकते हैं हमने पम्पकिंस की लाइन बहुत बड़ी बनाई है, लिटरली बहुत बड़ी पम्पकिन की लाइंस है, और मेरे अंदर लैग हो रहा है बीच बीच में, लैग के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अभी मैं मेरा कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ फार्म्स। अरे तो पहले तो इधर यार लैग क्यों हो रहा है, लैग की वजह से वीडियो लंबी हो रही है। ओके, उस साइड है अपना
ये वाला फार्म के ये एरिया जंगल वाला, उसको हमें मुझे साफ करना है उस साइड का वो, और इस साइड का एरिया मैं बाद में दिखाऊंगा। इस एपिसोड में पूरा मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन दिखाऊंगा आधा कुछ दिखाऊंगा आधा पीधा। और ये है हमारा अपना ये वाला एरिया, क्या कहते हैं स्पाइडर स्पॉनर एरिया। इधर स्पाइडर आते हैं, मैं उनको मारता हूँ और पैसे कलेक्ट करता हूँ। यार भूख लगी, इसको खाना खाओ खाना खाओ। ओके तो स्पाइडर स्पॉनर है और इसके भी फार्म्स। भाई मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने वाला हूँ अभी। उसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट एरिया में जाके मिलता हूँ मैं आपसे। तो नेक्स्ट एरिया के इधर आ चुका हूँ, लेकिन ये है अपनी मिस्टर टर्मिनेटर भाई की बिल्ली ऑसलॉट है। उसको उन्होंने टीम किया, अचीवमेंट थी एक तो उसके लिए टीम किया था। और ये हमारा फार्म एरिया है। अभी इधर हमने ऑसलॉट और चिकन से स्पॉनर्स रखे हैं, क्योंकि फेदर गैदर और कुछ ऐसे अचीवमेंट से किल चिकन वाले, तो उनको कंप्लीट करने के लिए। और मैं मर गया, पैसे नहीं चाहिए चाहिए, पैसे गए मेरे। ओके और उस साइड एक आइलैंड है अपना डेजर्ट वाला, उसको भी खाली कर दें। और भी लिटरली उधर आइलैंड आज सुबह सुबह हमने अनलॉक किया है, और हम तीनों की हालत मतलब बहुत ख़राब हो गई थी उस आइलैंड के टाइम, क्योंकि उधर लाइक ज़ॉम्बी के स्पॉन होते हैं और बेबी ज़ॉम्बीज इधर बहुत है ना भेजा फ्राई कर रहे थे। इस आइलैंड को पूरा टॉर्च लाइट अप करना है और इसके ये जो हेड भाई, इसके जो विलेजर भाई है ना, उसको भी लेके जाना है, इसको पूरा क्लियर करना है। और अभी ये इस आइलैंड में, लेकिन अभी हुआ क्या, मुझे एक बंदे ने बताया, मेरे डिस्कॉर्ड का एक मेंबर था, उसने बताया कि डेजर्ट आइलैंड अनलॉक होने के बाद तुम्हारे पास आयन आ जाता है। हमने फट से डेजर्ट आइलैंड अनलॉक कर डाला और उसके बाद मालूम पड़ता है डेजर्ट आइलैंड में आयन नहीं मिलता। डेजर्ट आइलैंड को छोड़ के एक और आइलैंड आता है, उधर आयन मिलता है। और हमने अचीवमेंट्स भी इधर बहुत ज़्यादा तगड़े तगड़े अचीवमेंट्स करने पड़ने वाले, बहुत हालत ख़राब होने वाली। स्मेल्ट ग्लास ब्लास्ट 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 भाई, हमें आज के एपिसोड के अंदर मैं ज़रा छोटे मोटे अचीवमेंट भी कंप्लीट नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ सेटअप था यार, टूर ही देना है। और हाँ और मैं क्या करूँ, अभी मैं तो सिर्फ स्मेल्ट करने वाला हूँ। अभी एक अचीवमेंट को थोड़ा सा स्टार्ट कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा अभी कर लूँगा। और हाँ मैंने एक SMP बनाई है जिसकी वीडियो आएगी आपको, आई थिंक सो वो कल आएगी, तो आप लोग कल देखना, अगले दिन तो SMP की वीडियो के अंदर मेरे पास यूट्यूबर SMP है, खुद की एक SMP है, तो उसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो पहले ही बता दूँ, उस SMP को मैं खेलता हूँ। और हाँ प्लीज़ ज्वाइन करना, क्योंकि मैंने वो मंथ पहले डाली थी SMP की वीडियो, अभी तक किसी ने भी नहीं दिखी है। बट हाँ उसके साथ मुझे अगर आपके पास आइडियाज होंगे इधर कुछ अचीवमेंट इजीली कंप्लीट कैसे करनी होगी ये उसके बदले में, तो बताना। और उसके बदले में मैं आपको दूंगा शाउट आउट, यस शाउट आउट दूंगा आपको। और ऊपर के साथ मैं अभी ट्राई करने वाला हूँ एक गिवअवे को स्टार्ट करने का, जिस गिवअवे में अंदर मैं देने वाला हूँ मेरे एक लकी विजेता को अपना ये क्या कहते हैं फ्री फायर के अंदर एक डीजे आलोक अभी मैं देने वाला हूँ, और देखना। और अगर आपको पार्टिसिपेट करना है इस टूर्नामेंट के अंदर, सॉरी गिव अवे के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्कॉर्ड की लिंक है, उधर आप लोग जाके मुझे सिर्फ एक बार हाय मैसेज करना और DM करना उधर से मुझे सिंपली एक बार, और ऊपर के साथ मुझे सिर्फ आपकी UID देना। और अगर मुझे एक बंदे, तो मैं उनमें से एक बंदे को सिलेक्ट करूँगा और वो आप लोगों को, वो उस बंदे को वो क्रोनो ने डीजालो। भाई मुझे आज स्क्रिप्ट है ना मैंने लिखे वो किधर गई मुझे समझ में आ रहा है, मैं स्क्रिप्ट देख के पढ़ रहा हूँ। ओके मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद को नहीं मालूम मैं। और हाँ मैंने वो जो फार्म बनाया ना उसकी वीडियो मेरे इसके बाद आई कि क्या कहते हैं अपने, मुझे नहीं याद आ रहा है अभी यार,
मेरे SMP की वीडियो के बाद ही आएंगे उसकी वीडियो, तो आप लोग उसको भी देख लेना। तो अभी मैं सिर्फ इसको स्मेल्टिंग में डालता हूँ और वीडियो एंड कर लेता हूँ, आउट्रो करते हैं हम लोग। ओके दोस्तों, तो इसको स्मेल्टिंग में डाल दिया और अभी आउट्रो शूट करते हैं। मैंने बहुत छोटी सी वीडियो बनाई आई थिंक, तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग। ओके तो दोस्तों, अभी हम लोग आउट्रो कर रहे हैं। सो हाँ, आज की वीडियो अजीब सी थी, मैंने पूरा मतलब दिखाया भी नहीं है ठीक से। मैं अगली वीडियो में ट्राई करने वाला हूँ पूरा मतलब दिखाने को। और हाँ, अगली वीडियो के अंदर हम लोग एक आइलैंड भी अनलॉक कर देंगे, ट्राई कर देंगे अनलॉक करने के लिए। अचीवमेंट्स भी हमें करनी है, बहुत ज़्यादा कर दें अचीवमेंट्स इधर, और इधर की क्विस्ट को मैं अचीवमेंट्स कहता हूँ, पहले भी सुन लो। तो अभी हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। बहुत ज़्यादा मैंने फालतू की बकबक कर डाली, तो मैं इधर अभी AFK रहता हूँ और आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।